हमारी प्रिपरेशन मार्शल आर्ट की तरफ से था। हमने करीबन 4-5 महीने पहले शुरू कर दी थी अपनी ट्रेनिंग, और कोई चारा भी नहीं था, ज़रूरी था करना क्योंकि पूरी फिल्म जो है उस मार्शल आर्ट पे बेस्ड है। लेकिन क्योंकि बाकी तो फिल्म पूरी इमोशनल भी है, ड्रामा है, दो भाइयों की कहानी है, दो भाइयों के बीच में टकरार है, दरार है, दीवार है, और पूरी फिल्म के अंदर हमने जो है और क्या किया, मतलब रिंग के अंदर पूरा 52 दिन बिताए हैं जस्ट टू पिक्चराइज द होल सारा का सारा क्लाइमैक्स 52 दिन फिल्म के अंदर हमने किया। सर ने वजन घटाया 10 किलो, मैंने 10 किलो वो एक एक्चुअली बहुत हार्ड जॉब था कि यू नो 12 किलो निकालना और इसने 12 किलो बढ़ाना, और जो इन 50 दिन के दौरान भी उसको मेंटेन करना, एक्शन करते करते आपकी बॉडी ऊपर नीचे जाती है, पर हम दोनों ने वो वजन को मेंटेन करने की कोशिश करी और किया है। तो आई थिंक वो काफ़ी टफ होता है जब आप पूरे दिन एक्शन करके आके आपको जिम जाना पड़ता है या उससे पहले करना पड़ता है, तो काफ़ी खून पसीना गया इस पिक्चर। जब पिक्चर साइन करी तो काफ़ी नर्वसनेस और एंगजाइटी थी। ऑफकोर्स सर के एक्शन अब हम देख चुके हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सालों का काम है, तो जब पता चला कि क्लाइमैक्स में है टक्कर तो थोड़ी बहुत डर जो फट जाती है ऐसे, और फिर वही था डिसीजन की टाइम देना पड़ेगा, कुछ भी नया सीखना है उसको कन्विंसिंगली करना है तो समय की ज़रूरत है, और मैंने वही किया। चार महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठता था और एज अ फाइटर ट्रेन करता था, जिम ट्रेन करता था, मील्स खाता था वजन बढ़ाने के लिए, और फिर जब सेट पहुँचे तो तब भी सेम रूटीन था, बट ऑब्वियसली ज़्यादा थकान होती थी। और सेट पे सर के एक्सपीरियंस को हमने बहुत इस्तेमाल किया, सर की जो एक सेफ्टी नॉर्म्स है इनको पता है कि कैसा एक्शन सही लगेगा या कैसा एक्शन इम्पैक्टफुल होगा, और या आई थिंक शूट करते हुए काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्शन में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर से बिहाइंड द कैमरा, जिस तरह ये अपने दिन को हैंडल करते हैं, जिस तरह ये अपने टाइम को हैंडल करते हैं, तो मैं काफ़ी कुछ लेके जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, जब कहानी सुन रहा था तभी मुझे ये टाइटल सूझा, सो आई जस्ट सजेस्टेड व्हाई डोंट वी कीप द फिल्म कॉल्ड ब्रदर्स इंस्टेड ऑफ, पहले तो यहाँ तक बात हुई थी कि वॉरियर ही रखते हैं, मतलब वॉरियर तो जाता नहीं है हमारी फिल्म के साथ, ये दो भाइयों की कहानी है, सो आई थिंक ब्रदर्स वाज द एप्ट टाइटल फॉर दिस फिल्म। आई प्ले जेनी फर्नांडिस हु इज द वाइफ ऑफ डेविड फर्नांडिस प्लेड बाय अक्षय, एंड वी आर गोइंग थ्रू a struggle at home because of our daughter, and for me, I mean, my character is going through her own difficult phase because, you know, she wants to be supportive of her husband, you know, who goes back into MMA to save his daughter, but at the same time she does not want to lose her husband or her daughter, so it's a very very intense character, and it's a very very difficult one as well, because of what she goes through, but it is definitely something that everyone can relate, I mean not everyone but a lot of people will be able to relate to, you know, when there are struggles at home when it comes to money, when it comes to health, and yeah, so getting into the skin of the character was something that, you know, luckily my director Karan Malhotra was able to really help me with. कोरियोग्राफ पंच था, असली में पंच तो नहीं किया, बट बहुत दोनों के लिए डिफिकल्ट था। एक तो ऑफकोर्स डिफिकल्टी वो थी कि कैसे आप याद रखें, हमें याद है कि हमें पूरी कोरियोग्राफी जैसे डांस की तरह याद करनी पड़ती थी, 1 2 3 4 लात घुसा पंच, नहीं वो अगर एक मिस हुआ तो सही में पड़ता था, तो उसमें बहुत मेहनत करी, शूट के दौरान भी हम लोग रिहर्सल करते थे सारे मूव्स, चाहे हम सेट शूट से पहले तो काफ़ी बार 4-5 बार कर चुके होते थे, तो तभी वो फ्लूइड लगता है, अच्छी तरह लगता है। तो जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वी हैड टू ट्रेन समथिंग कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज वे यू ट्रेन योर बॉडी टू टेक पंचेस डायरेक्टली, सो आई हैव टू हिट, आई कैन नॉट चीट, आई हैव टू हिट इट, एंड दैट द बॉडी टेक्स इट, द स्टमक टेक्स इट, योर लेग्स टेक्स इट, योर काफ्स टेक इट, योर हैंड टेक्स इट, सो दैट कंडीशनिंग वॉज वेरी असेंशियल टू पिक्चराइज एन MMA फाइट। अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, शूट के दौरान हम भी दोनों ही एक ही टाइम पे उठते थे, मैं अपने जिम में ट्रेन करके आता था सुबह 5 बजे के तकरीबन सर आपके जिम से, और हम लोग 7 बजे तक शूट करते थे रोज़, तो हमने ऐसे 50 दिन किया है, प्रमोशन भी हम लोग जल्दी कर रहे हैं, तो मुझे सुबह उठने में एक्चुअली अच्छा लगता है, तो मैं सर के साथ रह के दिखता है कि कैसे आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है बाकी चीज़ें करने का, सुबह 7 से 2 कर लो, उसके बाद सारा दिन फ्री है एक्चुअली। या इट वाज अमेजिंग, हमने प्रमोशन भी सुबह 6 बजे 6:30 बजे किया है। आई थिंक इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, नो सम टाइम व्हेन पीपल आस्क हिम से आप सुबह उठ जाते ले, तो बेटा सुबह नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे, आप रात को जल्दी सोए तो, अबे जल्दी नहीं सोएंगे तो कब करेंगे, क्यों
I find it very, very amusing. आप जो आपकी जर्नी है ट्रैफिक की वजह से जो 1.5 घंटा लगता है आपको जू से फिल्म सिटी पहुंचने में वो आप 20 मिनट में निकल जाते हैं और दोपहर को बिकॉज देयर इज लेस ट्रैफिक आप घर जल्दी पहुंच जाते हैं सो हाउ मच टाइम एक्चुअली एंड दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू लर्न दैट एंड यू कैन डू दैट एंड इट इज गुड फॉर यू इट इज गुड फॉर पीपल.